फिरोजाबाद में एसएसपी अजय कुमार ने वार्ता के दौरान बताया कि थाना रसूलपुर पुलिस एसपी सिटी राजेश कुमार के नेतृत्व में बीते दिन चरस सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो युवाओं को नशे का आदि बनाया करता था। उसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस, 900 ग्राम डायस्पाम पाउडर भी बरामद की है। पकड़े गए अपराधी का नाम मोहम्मद रफीक उर्फ कुट्टू पहलवान बताया जा रहा है। आज फिरोजाबाद जनपद की थाना रसूलपुर इकाई ने फिरोजाबाद जिले के एक बहुत ही कुख्यात चरस विक्रेता, अवैध चरस विक्रेता है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसका नाम मोहम्मद रफीक कुट्टू पहलवान के नाम से ये कुख्यात है। इसके बारे में आम जनता के व्यक्तियों के द्वारा, पत्रकार बंधुओं के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये शिकायत पिछले 1.5 महीने से प्राप्त हो रही थी। यह चरस की पुड़िया बना करके नई उम्र के लड़कों को, वयस्क अवयस्क लड़कों को बेचता है, जिससे पीढ़ी खराब हो रही है। कई लड़के नशे की लत में आने के उपरांत चेन स्नैचिंग, चोरी इत्यादि जैसी छोटी मोटी घटनाएं कारित कर रहे हैं और परिवार में तबाही मची हुई है। इस सूचना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए एसपी सिटी राजेश सिंह के नेतृत्व में टीमें लगाई गई थी। इन टीमों को कल देर शाम 4 अगस्त को सफलता मिली, जब इस कुख्यात अपराधी को, नशे के कारोबारी को, इसके घर के पास से हमारी पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से तकरीबन आधा किलो चरस और तकरीबन 1 किलो नशीला पदार्थ डायज़ेपाम बरामद हुआ है। आज इसे पूछताछ में इसने बताया कि इसके 3 और लड़के पहले आईपीएल की सट्टेबाजी में जेल जा चुके हैं। इसने बताया कि हिमाचल प्रदेश और नेपाल से ये चरस मंगाता था और इसको छोटे छोटे अमाउंट में बेच करके मुनाफा कमाता था। बाकी शेष बातें इसे रिमांड लेकर के पूछताछ की जाएगी। हिस्ट्री शीट खुलवा करके गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है और इसकी संपत्तियों का चिन्हीकरण करके आगे पुरकी कार्रवाई भी कराई जा सकती है।